सब्सक्राइबिंग के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। हमारे ट्रायल्स बिहार, झारखंड और रांची में ओपन। राहुल जी, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया का क्या मकसद है, आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं जिनको लेके आगे बढ़ रहा है और एक साल पूरा करने वाला है? बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया की प्लानिंग यही है कि बेस्ट से बेस्ट देना प्लेयर्स को, बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स निकालना इंडिया के लिए जो कि इंडिया खेले। और क्रिकेट के मामले में बात की जाए तो हमने बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया क्रिकेट अकेडमी सेटअप करी है नोएडा सेक्टर 135 में, जैसे आपको पहले बताया। इसके अंदर हमारा बेसिक मोटिव यही है कि जो प्लेयर है उसको कोच तो थोड़ी बहुत टेक्निक्स आपको बता देंगे, कोच आपको बता देंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो तो किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस सबसे बड़ा होता है। तो 300 बॉल हमारे प्लेयर्स रोज़ बैटिंग करते हैं और 300 बॉल रोज़ हमारे बॉलर्स डालते हैं। रेजिडेंशियल क्रिकेट अकेडमी हमने सेटअप कर रखी है नोएडा सेक्टर 135। एक लास्ट सवाल आप सभी लोग से, जो भी खिलाड़ी भाग ले, जो टीम भाग ले, आप लोग दो दो लाइन में क्या मैसेज देंगे? जी, मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि फेयर खेलें, अपना बेस्ट दें, बेस्ट करें तो ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप गलत तरीके से खेलेंगे, चीटिंग करेंगे और या अपने कोचेस की या अंपायर्स की या रेफरीज की इज्जत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप क्या कहें? ये है, आंटी में भाग लेंगी, आंटी में जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और जो फेयर खेलेगा वो जीतेगा। सबसे अच्छा ये है कि अपना डिसिप्लिन बना के रखें, जो एम्पायर डिसीजन में जो माननीय होगा और जो कमेटी रूल एंड रेगुलेशन बना के रखें उसको फॉलो करें। कहीं ना कहीं ये कि फेयर खेलोगे, अच्छा खेलोगे, जो एक सच होता है वो हमेशा काम आता है, जो भी होती है वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है। मैं सोच लगा के या कहीं पीछे जैक लगा के सिलेक्शन करा लूँ, जैसे नॉट फेयर, फेयर खेलो, अच्छा खेलो, कहीं ना कहीं आपको जो कामयाब वो चमकी। मेरा तो कहना यही है खिलाड़ी को कि खेल में कोई भी शॉर्टकट होता ही नहीं, मेरा अपना मानना है और यही सत्य है कि शॉर्टकट ना अपनाए, जैसा दोस्त साहब ने भी कहा, केवल अपना 100% दें और बाकी काम सेलेक्टर्स पे और अपने कोचों पे छोड़ दें। आप क्या कहेंगे? ओके, ये मैचेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं? जी, ये मैचेस जो IJCL और IBBL के हैं मोस्ट प्रोबेबली 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और YSCL परफॉर्मेंस मैच की सीरीज़ भी 7 जनवरी से स्टार्ट है। तो तीनों मैचेस हमारे अलग अलग ग्राउंड्स और अलग अलग स्टेडियम्स पे 7 जनवरी से स्टार्ट है। ये स्पोर्ट बोर्ड ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया, ये गवर्नमेंट संस्था है या प्राइवेट है? जी, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ओके। जो कि जल्दी एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सोसाइटी होने वाला है, नेशनल लेवल सोसाइटी होने वाला है। बाकी इसके ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स सारी चीज़ भारत सरकार ट्रेडमार्क रजिस्ट्री न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड है। ओके। क्या सरकार से भी कुछ फाइनेंस मिलता है आपके संस्था? नहीं, सरकार से हमें अभी तक तो कोई फाइनेंस मिलता नहीं है, कोई हेल्प ऐसी फाइनेंशियल नहीं मिलती सरकार से, लेकिन हमारी सारी चीज़ें रजिस्टर्ड है। आप कितनी हेल्प कर देते हैं प्लेयर्स के लिए? जी, हम प्लेयर्स के लिए हम फ्री ट्रायल करा रहे हैं, फ्री सिलेक्शन है, हमने 1 रुपया भी नहीं लिया प्लेयर से। और बाकी जो फाइनेंशियली वीक होते हैं प्लेयर्स, उनके लिए हम उनको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अगर उनमें टैलेंट होता तो। टर्म्स यही हैं कि टैलेंट होगा तभी उनको स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी। एडमिशन फॉर्म वगैरह ये सब आपको फ्री है या इनमें कुछ चार्जेस वगैरह? एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्री है, टोटली फ्री है, ट्रायल भी फ्री है। जी, और अगर उनके पास किट नहीं है, किट भी हम प्रोवाइड करते हैं उनको खेलने के लिए ट्रायल के टाइम पर या मैचेस के टाइम पर भी किट हम देते हैं। ये जो बोसी है, इसके मतलब स्थापना करने का क्या उद्देश्य था, प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं एक ऐसे बोर्ड ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया की स्थापना करूँ जिसमें बच्चे ट्रेनिंग ले सके या उसमें टूर्नामेंट आयोजित किया जा सके? जी, कुछ साल पहले मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में कि पढ़ाई होती है मेन चीज़, कि कुछ लेवल करने के लिए मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं किसी तरीके से प्लेयर्स की हेल्प कर सकूँ, जो जूनियर्स हैं उनकी हेल्प कर सकूं, कि उनको मैं सिखा सकूं, समझा सकूं कि कैसे वो लेवल करें अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स को, कैसे बैलेंस बनाएं, इसलिए मैंने ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी है। ये बोसी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अभी आप कहां से अब इनकम करते हैं या कोई आपको स्पॉन्सर करता है या आप खुद से?
सर, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हम बेसिकली जो सोर्स ऑफ इनकम है कुछ खास यही है, जो प्लेयर्स हमारे टूर्नामेंट को खेलते हैं, जो लीग को खेलते हैं, जो हमारी कॉस्ट होती है हम वो उनसे चार्ज करते हैं। जैसे ड्रेस बनती है, ड्रेस का चार्ज वो देते हैं, जो ग्राउंड बुक होता है वो सारे प्लेयर्स में डिवाइड करके ग्राउंड के चार्जेस वो देते हैं, अंपायर्स आते हैं, रिफ्रेशमेंट, फूड, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, सब कुछ उसमें डिवाइड करके चार्जेस हम तय करते हैं। उन खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले समय में अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं या जिन्होंने अभी करियर जस्ट शुरू किया? जी सर, जिन्होंने करियर शुरू करा है और जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है या स्पोर्ट्समैन बनना है तो आपको सबसे पहले एक ही चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको रखनी पड़ेगी, जैसे पढ़ाई आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। मेन आपको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। दो नावों पे पैर रख के कभी कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आपको एक नाव पे चलना पड़ेगा। पहले आप एक चीज़ पे फोकस करो। अगर जैसे कि नोएडा में बहुत सारे क्रिकेट अकेडमी हैं जी, तो आपके ही क्रिकेट अकेडमी को या बोसी को बच्चा क्यों या खिलाड़ी क्यों चूज करे, क्या ऐसी यूनिक क्वालिटी है आप में? सर, यूनिक क्वालिटी मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सारी अकेडमीज़ ख़राब हैं या कुछ ऐसा, मैं नहीं कहूँगा। सारी अकेडमीज़ अच्छी हैं, सारे कोचेज अच्छे हैं, बस जो एक टैक्ट है, जो वन टू वन कम्युनिकेशन है कोचेज का और प्लेयर्स का, वो कैसा होता है ये डिपेंड करता है। हमारी अकेडमी में यूनिकनेस यही है कि हम 300 बॉल्स प्लेयर बैट्समैन को रोज़ खिलाने की कोशिश करते हैं और 300 बॉल्स एक बॉलर से रोज़ डलवाने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू।